सूर्य सूर्योदेवाय नम ओम नमः भगवते वासुदेवाय राम राम दोस्तों आज सुबह के बज रहे साढ़े छः तो मैं सुबह सुबह ही निकल गया हूँ मूंग काटने के लिए तो आज थोड़ा सा लेते हैं सुबह सुबह मूंग मूंग पूरे सूख गए हैं तो इसलिए मैं मूंग काट रहा हूँ बहुत भयंकर सूख गए हैं और इन बाजरी के डोकों में फंसे हुए भी गजब है इनको निकालना ही बड़ा मुश्किल काम है सुबह सुबह एक घंटों मूँग काटता हूँ फिर जाता हूँ बकरियाँ सराने के लिए तो आज थोड़ा सा सौदा के लिए बना लूँ सुबह सुबह मूँग उखाड़ने का तो इसीलिए आ गया मैं खेत में सुबह सूर्य भगवान के दर्शन किए और सुबह जल्दी उठा साई पानी नाश्ता करके खेत में आ गया यहाँ पर तो मंगों की फड़ियों एक बार तोड़ लिए और दोबारा जो है उसको उखाड़ रहा हूँ और ज़्यादा नहीं है फिर भी फंसी हुई ज़्यादा है सभी ऊपर चढ़ जाती है डोकों के और खेत में कासरे की बेले भी बहुत है जो कचर होता है चिपड़िया काकड़िया उनकी बेले बहुत है तो उनके अंदर फंस जाते हैं मूंग और मोठ मोठ भी अच्छे है मूँग भी अच्छे है लेकिन बाजरी इस साल कम हुई है हमारे खेत में ये देखो अभी डाली मैं यहाँ ये देख लो इस प्रकार की फड़ियाँ ये इन पर ज़्यादा नहीं है आगे मैं देखाऊँगा आप उन पर बहुत फड़ियाँ आई हुई है क्योंकि यहाँ पर तो एक बार तोड़ लिए तो ज़्यादा फड़ियाँ नहीं हैं फिर भी काफ़ी है तो ऐसी है ये देख लो बहुत लंबे लंबे बढ़ गए इनको उकाड़ना बहुत मुश्किल का काम है क्योंकि आमने सामने फंस जाते हैं ये सुबह सुबह का नज़ारा चारों और हमारे यहाँ रोईड़े के पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं तो कितनी हरियाली देख रही है अभी तक ज़्यादा मतलब ये रोशनी नहीं है ये हमारा घर दिख रहा है इधर से ये रसोई है वो सामने मकान है थोड़ा दूर से कैसा व्यू दिखाई देता देखते हैं ये मैं घर के पीछे वाले बाग में ही खड़ा हूँ और लगभग सुबह के सात बज रहे ये देख लो मोट इस प्रकार की फड़ियाँ मोटम बहुत अच्छी है ये फड़ी लेकिन ये मिलने मुश्किल है क्योंकि फंसे हुए ज़्यादा है कासर और मतीरे की बेलें ज़्यादा है तो उनमें फंसे हुए ये जड़ जाएंगे और अभी इनको काटने में काफ़ी समय लगेगा तब तक ये सूख भी जाएंगे ये देख लो इन पौधों में बहुत अच्छी फलियाँ ये ये देसी मोट है कोई हाइब्रिड क्वालिटी नहीं है हमारे यहाँ और ये मूँगों की फलियाँ जहाँ पर मूँगों की फलियाँ तोड़ी हुई नहीं है पहले से वहाँ पर बहुत अच्छी फलियाँ हैं इस निर्णय पर देख लो दोस्तों ये कौन से कारीगर ने बनाया है और किसका घोंसला हो सकता है आप भी कृपया कर कमेंट करके इसके बारे में बताएं आपके वहाँ होता है या नहीं होता है हमारे यहाँ एक नीम के पेड़ पर बहुत सारे थे यह किसी बिल्ली वगैरह ने तोड़ दिया तो मैंने इस पर लगाया है उन्हें इसकी कला देखो बनाने की कितना सुंदर और अजूबा बनाया है ये तो गेट नहीं है इसके जो नीचे देख रहा है ये दरवाज़ा ये नहीं है जो ये वाला है ना इसके नीचे वाला इधर से घोषती ये तो बाद में बनाया किसी ने जो इसके नीचे सहध है और एकदम सभी जो बाजरी के पत्ते होते हैं ना उनको तोड़ के बनाया है तो ये आ गई हमारी खुशबू बिटिया इसको अभी सलना सिखा रही है इसका गाड़ी डाल के तो ये धीरे धीरे चल रही है आजा बेटा आजा आओ 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 ओ आ जा इसको अभी सलना सिखा रहे हैं इसके आगे फोन रखते हैं तो ये धीरे धीरे सलने लगती है और इसमें झूले में डालने के बाद इधर उधर गिरती चलो 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 आ जा बेटा आ जा ये अभी आ रही है मेरे सामने वेरी गुड आ जाओ बाय बाय टाटा तो अभी सुबह के साढ़े आठ बज गए और मैंने बकरियों भेड़ों भेड़ो, गायों को निकाल दिया चराने के लिए बार अभी ले जाऊंगा उनको सराहने के लिए और फिर लेकर कर आऊँगा वापिस लगभग साढ़ा ग्यारह ग्यारह बजे तो ये फौज अब एक्टिव हो गई है दरवाज़े पर इनको बाहर निकालना है अभी मैं गेट खोल के निकालता हूँ बाहर ये बड़ी बदमाश क्या कर दिए जैसे गेट खोलते हैं तो सभी भागते हैं अचानक ही एक दूसरे का यह अभी ट्रेन खाली हो रही है सवारियों की और ये गाय भी निकल गई है बछड़ियाँ तो दोस्तों दिन को एक बज गए और खाना हाजिर है तो खाने में बाजरे की रोटला है और देसी गुहार और कासर की सब्ज़ी है के की से आ जाइए सभी खाना आ जाए खाना खाते फिर जाएंगे बकरियां निकालने तो दोस्तों एक बार फिर सभी का स्वागत है शाम के पास गए साढ़े सार तो इन पूरी बटालियन को मैंने निकाल दिया बार देख लो सारों और बिखर गई है कुछ इधर है कुछ उधर है और शाम को सड़े बजे ले जाऊंगा वापस तब तक इनको सराहंगा बाद में पानी पिलाऊंगा तो ये छोटी सी क्लिप आपको कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके अवश्य बताना अगर मेरे चैनल पर नया तो चैनल सैनिक सदस्यता लेके घंटी का बटन अवश्य दबा देना तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक सभी को राम राम नमस्कार खमागनी जय श्री कृष्णा और जय श्री राम